दोस्तों, हम अपने घर में चौकीदार इसलिए रखते हैं ताकि हमारे घर की हिफाजत हो सके और कोई भी चोर हमारे घर में डाका नहीं डाल सके। इसी तरह हमसे किसी ने वादा किया था कि मुझे देश का चौकीदार बना दो, मैं अपने देश की तिजोरी पे किसी को भी पंजा नहीं मारने दूंगा, और हमने उसे सन 2014 में चौकीदार बना दिया। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या इस चौकीदार ने अपना काम सही तरीके से किया? अब देखिए हमारे देश की तिजोरी पे कितने लोगों ने पंजे मारे, इनमें से कुछ खास ये हैं। पंजा नंबर एक, जून 2015, ललित मोदी 5,000 करोड़ रुपए लेकर हमारे देश से भाग गया, हमारा चौकीदार सोता रहा। पंजा नंबर दो, नवंबर 2015, मेहुल चौकसी 11,600 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गया, तब भी हमारा चौकीदार सोता रहा। पंजा नंबर तीन, मार्च 2016, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गया, तब भी हमारा चौकीदार सोता रहा। पंजा नंबर चार, जनवरी 2018, नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गया, तब भी हमारा चौकीदार सोता रहा। अब आप ही बताइए, जब कोई चौकीदार अपना काम ठीक से नहीं करता तब हमें क्या करना चाहिए? इसलिए अब की बार बदलो चौकीदार।